शांति। आज बाबा के 7 मार्च 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 14/11/1987। आज के अव्यक्त महावाक्य पवित्रता पर बाबा ने समझाए। पवित्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जो पूज्य देव बनने का आधार है। बाबा ने कही, जो आपका ब्राह्मण जीवन है, इसका फाउंडेशन पवित्रता है, और ये पवित्रता सुख शांति की अनुभूति का मुख्य आधार है। अगर आप अपने जीवन में जरा भी दुख अशांति का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं। जरा भी दुख अशांति अगर फील हो रही है, तो उसका मूल कारण कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट की कमजोरी है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन अर्थात सुखमय जीवन, हर सेकंड सुखमय। जरा भी दुख का अनुभव अगर हो रहा है, तो अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इसी के आधार से आपको लाइट का ताज प्राप्त होता है। यही पवित्रता की शक्ति आपको सिद्धि स्वरूप बनाने वाली है, अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली है। ये पवित्रता की शक्ति वो शक्ति है, जो दुआओं के रूप में अनेक आत्माओं की मदद करती है। बाबा ने कहा, जैसे साइंस की शक्ति थोड़ी देर के लिए दुख दर्द मिटा देती है, ऐसे जो साइलेंस की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, ये दुआओं के रूप में काम करती है। इस शक्ति को बढ़ाते जाना है, क्योंकि हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं, तो उस शक्ति को बढ़ाते जाना है। फिर बाबा ने संस्कार मिलन की बात बहुत सुंदर कही। आपस में एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाना, यही महानता है। संगम पर ये महानता अवश्य दिखानी है। साथ साथ भाग्य की स्मृति दिलाई, एक गीत बजता रहे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता। जितना वाहवा करते जाएंगे, भाग्य और अच्छा होता जाएगा। अब एकाग्र होकर सुनेंगे, मुरलीधर बाबा का आह्वान करेंगे। मुरलीधर बाबा, मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। सार है, पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। शमा शिव बाबा, परवाने हम सब आत्माएं, हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। ये रूहानी महफिल अलौकिक महफिल है, जिसको बाप जाने और बच्चे जाने। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे, इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, ऐसार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सबके मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। हर एक के मस्तक पर क्या दिखाई दे रहा है? पवित्र स्नेह का संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति। सभी के ऊपर
इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। ये लाइट का ताज हर एक को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। तो आप सब ऐसे ताजधारी बने हो। बाप दादा व मात पिता हर बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। मात पिता, बाप दादा हर बच्चे को वरदान देते हैं पवित्र भव। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पे विघ्न पड़ते आए, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई जाती है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, ऐसे पवित्रता के सब्जेक्ट की भी बड़ी गुह्य गति है। माया के विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है, तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है। पूरे दिन में किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। समझेंगे हम इस चीज को कि इसका बीज क्या है। अपवित्रता चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्र जीवन का अर्थ क्या है? दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है, तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। अच्छे से नोट करेंगे अपने मन की डायरी में भी, और वैसे भी डायरी में हम कभी भी इस बात के लिए नहीं कहेंगे कि इस व्यक्ति के कारण, इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति से ऐसे बोल बोल भी देते हैं व अनुभव भी करते हैं। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं हैं। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, जहाँ पवित्रता की शक्ति है वो कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुख में व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंचली देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को कहते हैं दुख हरता सुख करता। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। कैसे भी दुख में व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देने वाले मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करने वाले। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो
तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती क्या? पूछ रहे हैं बाबा, जब साइंस की शक्ति समाप्त कर सकती है तो क्या पवित्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती? साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारण या कारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख और शांति से सदा के लिए दूर करो। आपके पास दुआएं लेने आएंगे कि दुख और शांति से दूर करो। पवित्रता की दृष्टिवृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी डॉक्टर्स, जो जिस्मानी डॉक्टर हैं, जिस्मानी हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल, हॉस्पिटल व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास क्यू लगेगी। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्र के सामने ओ दयालु दया करो कह के दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास, ओ पवित्र देव देवियां हमारे पर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। सब आपसे मांगेंगे, हे पवित्र देव देवियां हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं, समझते दूर से दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। परमात्मा ने जो विधि बताई उस अनुसार सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये जो भी अल्पकाल के सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह सदा नहीं चल सकती। ये भी गोल्डन एज आत्माओं को, लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन थोड़े समय में सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती है। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर देता है। कहीं ना कहीं स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर देता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो, सदा की प्राप्ति कराने वाली हो, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये अब सहारे, सब सहारे थोड़े समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने के लिए आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है या अपने लिए भी अभी तक दुआएं मांगते रहते हो, इतना स्टॉक जमा किया है या अपने लिए भी दुआएं मांगते रहते हो। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो, तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। पवित्रता की शक्ति को जान, महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्मा अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। तो समझा, ये शक्ति बहुत काल से जमा करेंगे तो काम में आएगी। समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुह्यता।
साधारण बात नहीं, ब्रह्मचारी रहते हैं पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते पवित्र आत्मा। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि संकल्प से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो ये अपने आप को देख चेक करो। आज बहुत आ गए, जैसे पानी का बांध टूट जाता है तो एक कायदे का बांध तोड़ करके आ गए। फिर भी कायदे में फ़ायदा तो है ही, जो कायदे से आते उनको ज़्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। बंधन मुक्त हैं बाबा, विदेही हैं, फिर भी बच्चों से मिलने के लिए साकार देह में आते हैं। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आज़ाद हैं। बाप दादा कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। मधुबन में आए, बाबा कहेंगे भले पधारे, उस समय पानी की कमी के कारण थोड़ी रोक थी कि सीमित संख्या में आए, एक लिमिट में आए, फिर भी बहुत से लोग ऐसे पहुंच गए। फिर बाबा हमेशा ही वेलकम करते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कुमारियों से मुलाकात की, इंदौर ग्रुप से, सभी पवित्र महान आत्माएं होना, आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है, तो आप सब पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो, कोई अशुद्धि तो नहीं, सदा आपस में एकमत, स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं होना, आपस में एकमत, स्नेही सहयोगी रहने वाली होना। संस्कार मिलाना आता है ना, क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला, छोटेपन में महान बन गई, सदा खुश रहती हो ना, कभी कोई मन से रोते तो नहीं। घर छोड़कर हॉस्टल में रह रही हैं कन्याएं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि कभी मन से रोते तो नहीं, निर्मोही हो, कभी लौकिक परिवार याद आता है। दोनों पढ़ाई में होशियार होना, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर वन रहना। जैसे बाप वन है ऐसे बच्चे भी नंबर वन में, जैसे बाबा नंबर वन, हमें भी नंबर वन में आना है, सबसे नंबर वन, ऐसे बच्चे सदा बाप को प्रिय हैं, समझा। फिर बाबा ने ग्रुप से मुलाकात की, वेरी स्पेशल मुलाकात, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो, घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं, तो अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं, तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों याद रहे, वहाँ मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता, सदा वहाँ मेरा भाग्य, वह श्रेष्ठ भाग्य विधाता, ये गीत गाते रहो। ये मन का गीत है, जितना ये गीत गाते हैं उतना उड़ती कला का अनुभव करते हैं। वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता, वह के गीत गाते हैं तो उड़ती कला का अनुभव करते हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का एक ही समय है, इसलिए स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अब करना है, हर कार्य में हर समय ये बात याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं। जिसको इस स्मृति में रहता है वो कभी भी समय, संकल्प, कर्म वेस्ट नहीं होने देगा। अब नहीं तो कभी नहीं, ये स्मृति जिन्हें रहती है वो समय, संकल्प, कर्म वेस्ट नहीं होने देगा, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की बात ही नहीं, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना, जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, इस बात पे और अंडरलाइन करना, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ ना जाए,
व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएंगे, जब व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, आप फिर इतने साहूकार हो, चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है, आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है। बाबा बता रहे कि जब आप बाबा के बच्चे बन जाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो आप ज्ञान धन से भी साहूकार बन जाते हो और आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का धन आने से स्थूल धन भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितनी आ जाती है। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है क्या? स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है क्योंकि समझदार बन जाते हो। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है। ज्ञान में चलने से समझ मिल जाती कि धन भी कैसे कमाना है, दुआओं वाला धन कमाना है, इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है। शरीर को भी अच्छा, मन को भी अच्छा, दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि आपको दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से रॉयल भी बन गए, साहूकार भी बन गए और अनेक जन्म माला माल रहेंगे। जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उस सब कितने रॉयल हो गए। ज्ञान से पहले जिस तरह से रहते चलते थे उसमें और अब में तो बहुत अंतर है। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो, पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना, सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की बजाय अब अपनी शक्ल देखो, पहले वाली शक्ल और अब वाली शक्ल देखो, अभी भी देखो फर्क पता चलेगा। अभी रूहानियत की झलक आ गई इसलिए सूरत ही बदल गई, तो सदा ऐसे खुशी में नाचते रहो। बाबा का बन गए तो परिवर्तन आ गया, इस खुशी में नाचते रहो। फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से मिले, डबल विदेशी हो, वैसे तो सब ब्राह्मण आत्माएं इस भारत देश की हैं, अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, ये तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुंच गए, इसलिए निशानी है कि जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन में आते हो, ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन अनुभव करते हो। वैसे तो हम सब भी विदेशी हैं, परम धाम से यहाँ पर आए हैं भारत में, लेकिन वो भारत से भी दूर हो गए, इसलिए बाबा फॉरेन वालों को डबल विदेशी कहते हैं। तो बाबा ने कहा जब आप यहाँ आते हो, इस परिवार में अपनापन अनुभव करते हो, वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितने भी नज़दीक संपर्क वाली हों, संबंध वाली हों, जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है ऐसा नहीं लगेगा। जितना नज़दीक वाली आत्मा होगी उतना अपनेपन की ज़्यादा महसूसता होगी, सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं था या मैं हो सकता हूँ। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी, जो इस देवकुल की आत्माएं हैं उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, मुरली सुनना, योग करना, मधुबन में आना। जैसे कोई अपनी चीज़ होती है ना, अपनी चीज़ सदा प्यारी लगती है, तो ये निशानियां हैं। बाप दादा देख रहे हैं, दूर रहते भी दिल से सदा नज़दीक रहने वाले हैं, सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नज़र से देखता है, पूरा परिवार आपको श्रेष्ठ भाग्यवान की नज़र से देखता है। अच्छा, बाबा ने बहुत सुंदर, बहुत सारी विशेष तरीके से आज हम सबको नमस्ते की है। चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, युद्ध में डरने व पीछे हटने की बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। युद्ध में डरने व पीछे हटने की बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धा होते हैं उनका स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना ये तो कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना, आप ही रूहानी योद्धे डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कहाँ तक युद्ध करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है, लेकिन 5-4 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से सेकंड की बात है। पूरे 5-4 वर्ष की प्रारब्ध हम बना रहे हैं,
उस हिसाब से तो एक सेकंड की बात है, सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति से विजयी बनो। बाप की याद और बाबा के साथ की अनुभूति से सदा विजयी बनो। सरल शब्दों में, हम सबकी विकारों से युद्ध है। कोई कोई चलते चलते थक जाते हैं, हार जाते हैं, सोचते हैं आखिर कब तक। बाबा कहते नहीं, ये थोड़े समय की आपकी माया के साथ युद्ध है, विकारों के साथ युद्ध है, लेकिन आपकी जीत तो निश्चित है ना, क्योंकि बाबा साथ है और कल्प कल्प आप विजयी हुए हो। तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपकी जो युद्ध है इसमें जीत आपकी निश्चित है। अगर थोड़ा समय, जो थोड़ा सा चक्कर चलता है माया के साथ, तो भी बाबा कहते डरो मत। जितनी आपको प्रारब्ध मिलती है उस हिसाब से तो थोड़ा समय के लिए माया के साथ युद्ध चलती है ना, तो इसलिए निराश नहीं होना, आपको पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते रहना है। स्लोगन है सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। आशा और विश्वास के आधार से विजयी बनो। आज हम पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे, चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूं। पवित्रता मेरे इस जीवन का फाउंडेशन है। इस पवित्रता की शक्ति से विघ्नों से सेफ रहते हैं, माया से सेफ रहते हैं। स्वयं पवित्रता के सागर ने मुझे वरदान दिया है, पवित्र भाव। अभी कुछ सेकंड के लिए पवित्रता के सागर पर एकाग्र हो जाएं। महसूस करें पवित्रता के सागर की, पवित्र किरणों से मुझ में पवित्रता का बल भर रहा है। मैं सुख शांति से भरपूर हूं। अपने मस्तक से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैलता अनुभव करें। सूर्य के प्रकाश की तरह अपने मस्तक से पवित्र किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। ओम शांति शांति शांति। जगा लो विवेक सारे जग का करण धार हो, मुरली की तान बज रही।